मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ। आज क्लास 5 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी जीम है। जीम में आपसे पूछा जा रहा है कि सेल में खाली जगहों को मतलूबा हिंसों से पूर करें। देखिए, ये सवाल मैंने कॉपी में लिख लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये खाली जगह हैं और हमें इधर जो भी हिंसा आएगा, जो भी डिजिट आएगा, हमें वो लिखना है, जो भी नंबर आएगा वो लिखना है। अच्छा, अब ये देखें, 4 और 2 को या 4 और 2 को जमा करते हैं तो हमारे पास 6 आता है। अब यहाँ पे आप कैसे ये वाला हिंसा मालूम करेंगे? तो ऊपर का हिंसा अगर आपको मालूम करना है तो 3 में से आप 2 को माइनस कर दें, 3 में से 2 निकाले, हमारे पास क्या बचा? 1। ये आपका आ जाएगा, ऊपर वाला हिंसा हमेशा नीचे वाले नंबर से यू माइनस करके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको 6 चाहिए तो आप क्या करेंगे? 6 में से 2 निकाले, 4 आ गए, वो 4 आपने यहाँ लिख दिया, 6 3 9 आ गया। अब यहाँ पे 8 में से 3 निकाले तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि हमें करना तो सवाल जमा का है, लेकिन ऊपर अगर खाली हिंसे मालूम करने हैं तो हम नीचे वाले नंबर से माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि नीचे वाले नंबर से क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वो ज़्यादा नंबर होते हैं। अब यहाँ पे देखो 9 है, 9 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 बचेगा। 8 में से 1 गए, 4 बचा, और यहाँ पे 6 में से 4 गए, 2 बचा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 1 है। अब 1 में से 9 निकाल सकते ना, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे लाजमी तौर पे कोई ऐसा नंबर होगा जिसने कैरी दिया होगा, जब भी तो 1 आया है। तो यानी यहाँ पे हम कहते हैं अगर 11 हुआ तो 11 में से 9 गए तो 2 बचा, 9 2 11। अब देखो 1 हासिल यहाँ आ गया, 8 और 1 9 9 और 4 13, 13 3 1 हासिल आ गया, 1 और 1 2 तो ये हो गए, 2 हैंगे, और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 5 में से 2 गए, कितने बचे यहाँ पे? 3 बचे हैं, ठीक है। 0 में 5 जमा किया, 5 आ गया। अब यहाँ पे भी वही बात है कि 1 लिखा हुआ है यहाँ पे खाली, तो हम इसे 11 समझेंगे, 11 में से 6 गए तो हमारे पास बचा 5। अब ये 5 आ गया, अच्छा ये 11 का 1 कैरी दिया देखो हमने यहाँ पे, तो 5 6 7 और 1 8 हो गया ना, ठीक। तो अब हम करते हैं अपना आखिरी सवाल, तो हमें इसमें ये भी ख्याल रखना है, 7 2 9। अब यहाँ पे 4 में से 3 गए, 1 बचा, अब यहाँ पे वो 1 है और यहाँ पे 0 है, देखो 1 में से 0 निकाले, 1 बचा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 6 में से 4 गए, 2 आ गया। यहाँ पे 0 में से 4 नहीं जा सकते, इसका मतलब यह है कि ये 0 नहीं है, ये 10 है, तो 10 में से 4 गए तो 6 बचा हमारे पास। अब देखें 6 4 10 होते हैं, 0 1 कैरी हुआ तो 3 2 5 और 1 6, तो हमारा ये वाला जवाब भी ठीक हो गया, सही है। अब देखें हमारे पास ये जो दाल सवाल है इसका, फैसल के वालिद एक दिन के लिए अस्पताल में ऑपरेशन करवाने के लिए दाखिल थे, उनके ऑपरेशन का खर्चा 35,000, कमरे का खर्चा 1,200 और दवाइयों का खर्चा 1,25,500 था, टोटल बिल कितना था? तो देखें पहले तो आप सारे खर्चे लिख लें, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑपरेशन का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा होना चाहिए 35,000, कमरे का खर्चा हमारे पास आया है 1,200 रुपये, और दवाइयों का खर्चा, ये मुझे ना सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, देखिए दवाइयों का खर्चा तो इतना नहीं हो सकता ना, 1,25,500 ये ऑपरेशन का खर्चा है, जो उन्होंने बाय मिस्टेक जो है वो दवाइयों का खर्चा बना दिया, और दवाइयों का खर्चा, खैर बहरहाल जो भी लिखा है हम उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 35,000 जमा 1,200 जमा 1,25,500। अब आप इसे कैसे, रफ में आप एक रफ कॉलम बना लीजिएगा, उसमें आप जमा कीजिएगा, देखिए थोड़ा थोड़ा फासला करके 35,000, उसके नीचे 1,200 यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले हम इन दोनों को जमा कर लेते हैं, तो हमारे पास आया 0 0 2 6 3, उसके बाद हम
जमा करेंगे 1,25,500 को, तो 0,05,521। अब हम इसे जमा करते हैं तो ये देखें 0,05,276,511, 1 हासिल गया, 3, 4, 5, 6 और ये 1। तो इनका जो टोटल खर्चा आया है वो आप यहाँ पे लिख लें, टोटल खर्चा हमारे पास आया है 1,61,700। देखें मैंने कॉमा लगाना आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सिखा चुकी हूँ, तो आप वो देख के समझ लीजिएगा कि कैसे कॉमा लगाते हैं। ये देखें ये हमारा रफ वर्क हो गया, ये देखें ये हमारा जो टोटल आया है ये हमने यहाँ लिख दिया कि हमारा टोटल खर्चा 1,61,700 हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी। देखें स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, इस सवाल में गलती कर दी थी तो मैं उसको करेक्शन कर रही हूँ। यहाँ पे देखें 1 लिखा हुआ है ना, तो ये 1 का मतलब यहाँ पे 11 है, 11 में से 8 गए तो 9, 10, 11 3 बचेगा हमारे पास ना, ठीक है। तो 3 बचेगा क्यों, क्योंकि देखें 8 में 3 जमा किया 11 हो गया, 1 कैरी आ गया, 7, 8, 9 और 1 कैरी को जमा किया तो 10, ये देखें। और फिर यहाँ पे 4 और 1 5 और 5 में हम यहाँ पे 6 है तो 6 में से 5 गए तो यहाँ पे 1 बचेगा। ये मैंने सवाल में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है।